स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं। आर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 13 है। तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? हमें बताना है कि तीन अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से भाग हो जाती हैं, 7 से विभाज्य है। तो आपको पता है जैसे कि 7 × 14 लें तो आपको मिलेगा 98, 7 × 15 लें तो आपको मिलेगा 105। तो इसका मतलब जो 98 थी वो 7 से भाग हो जाएगी, लेकिन वो 2 अंकों की है, और 105 जो है वो भी 7 से भाग हो जाएगी लेकिन वो 3 अंकों की है। तो हमें 3 अंकों वाली संख्याएं चाहिए जो 7 से विभाज्य हो। तो सबसे छोटी आपको दिख रही है कि 105 है, इसीलिए 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की संख्या है। हमारे पास कौन कौन सी होगी है? 105 और उसमें 7 जोड़े तो 112 और उसमें 7 जोड़े तो 119 एंड सो ऑन। फाइनली हमें एक an मिलेगी, लास्ट वाली संख्या जो होगी मैं मान लेता हूँ कि भी वो nth नंबर पर मिल रही है, और वो 3 अंकों की है और वो 7 से विभाज्य है। अब आप ये देखिए कि जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है वो कौन सी है, परंतु 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या जो है आपके पास वो है 999, यानी कि 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वही 999 है। तो इसका मतलब जो 7 से भाग होने वाली संख्याएं हैं वो 999 या उससे कम ही होगी। तो हम क्या करते हैं कि 999 को 7 से भाग दे के देखते हैं। तो 7 × 7, बाकी आपके पास रह गया 2, ऊपर से 9 उतारेंगे, 7 × 28 एक बज गया, फिर 9 उतारेंगे, 7 × 14 और फिर आपके पास बच गया 5। तो यहाँ पर आपके पास ये 5 जो है वो शेषफल बच गया है, 5 आपके पास शेषफल बच गया है। तो आपको ये देखना है अगर ये संख्या 999 पूरी 7 से भाग हो जाती तो ये शेषफल बचते ही नहीं। हमें चाहिए शेषफल 0, मतलब वो संख्या जो 7 से पूरी भाग हो जाए, जो पूरी भाग होगी वो 5 ये शेषफल बचाएगी नहीं। इसका मतलब ये जो 999 है उसमें ये 5 एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है। तो अगर ये 5 कम होता तो वो संख्या पूरी 7 से भाग हो जाती क्योंकि शेषफल 0 बचता। तो इसीलिए जो an होगी आखिरी वाली संख्या, इसमें जो आखिरी में nth नंबर पर आएगी वो 999 जो कि सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या है उसमें से 5 माइनस करके आ जाएगी। तो इसमें से 5 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 994। तो 994 जो होगी वो सबसे बड़ी संख्या होगी जो 3 अंकों की होगी और 7 से भाग हो जाएगी। इसीलिए हमारे पास एक एपी आ गई है। एपी क्या आ गई है? 105, 112, 119 और ऐसे चलते चलते 994 आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं, माना कि जो an है वो 994 है। तो nth टर्म का फार्मूला यूज़ करेंगे। nth टर्म का फार्मूला आपके पास होता है a + n − 1 × d, 994। a जो है वो सबसे पहली संख्या होती है प्रथम, तो वो 105 है। तो a की जगह आप नोट कर लो 105 + n − 1 × d, d इन दोनों का अंतर आ गया। तो 112 में से 105 माइनस करेंगे तो आपके पास 7 मिलेगा बराबर 994। तो यहाँ से ये 105 को राइट साइड में ले जाके माइनस कर दो और 7 को n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि हमारे पास रह गया 7 × n − 1, 994 माइनस 105। तो यहाँ से माइनस कर लेंगे, 14 में से 5 गए 9, 8 में से 0 गए 8 और
9 में से एक है 8, तो आपके पास 889 बच गया। तो यहाँ से आपको मिला 7 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 7n-7, तो यहाँ से आपको मिल गया कि 7n = 889। ये जो माइनस सेवन है वो राइट हैंड साइड में जाके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिला 7n = 896। तो यहाँ से आपको n की वैल्यू मिल जाएगी 896/7। तो 7 × 7 1 कैरी ओवर और 19 हो गया, 7 × 2 = 14, 5 × 6 7, 8 = 56, तो 128। तो 128 नंबर पर ये आएगी टर्म, 128 विल बी द आंसर, देयरफॉर आंसर इज इक्वल टू 128। यानी कि ऐसे 128 टर्में हैं जो 7 से विभाज्य हैं।